नमस्कार दोस्तों, NR स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे MCQs की, तो राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे। तो 40 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। तो बिल्कुल अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल पहले पिछला वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी आनंद आएगा। प्रभास वाक्य में आपको लगेगा कि हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं और सबसे हटकर पढ़ रहे हैं। एक बार इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसके बाद आप बुक पढ़िएगा, आपको और भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलेगा, अभी लास्ट तक बने रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट लगता है कला संस्कृति इतिहास वाला, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ रखे हैं तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलेगा, बात कर लेते हैं बिना समय गंवाए। देखो 40 क्वेश्चन कर लेते, 41 क्वेश्चन, मोनद नैन सिंह किस राजा का मंत्री था? तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था मोनद नैन सिंह, यानी मारवाड़ का था ये। ठीक है, मारवाड़ का था। और इनकी कृति की नाम कौन सा है? मोनद नैन सिंह की। चलेगा, अरे मारवाड़ का प्रगना विगत राजस्थान का गजेट कहते हैं इसको, तो ये मोनद नैन सिंह की है। ठीक है, मारवाड़ का नाम आएगा तो सीधी बात है, जोधपुर के जसवंत सिंह का ये था मंत्री था। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा हुंजा, रीमा हुजा। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा हुजा, रीमा सोजा, सोजा नहीं है हुजा। ठीक है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो हर विलास शारदा जो कि इतिहासकार हुए और ये क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे। हर विलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर विलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध का क्या बनाया, कानून बनवाया। आगे चलते हैं, आइए क्यों इसको ऊपर ले लेते हैं। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कनिगम ने जोड़ा, किसने? कनिगम ने। देखो ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कनिगम ने जोड़ा। ठीक है, राजपूतों को उन्होंने की संतान बताया था वी स्मिथ ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहब, ये तो काफ़ी बार आ चुका है। राजपूतों को उन्होंने की संतान किसने बताया? वी ए स्मिथ, किसने? वी ए स्मिथ, कौन? वी ए स्मिथ। चलो सर, याद हो गया होगा। आगे चलो, कौन सा विद्वान गुहिलोतो की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो GH ओझा, कौन? GH ओझा, कौन सा विद्वान गुहिलोतो की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो GH ओझा। आगे बात करते हैं, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? तो गौरी शंकर हीरचंद ओझा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम गौरी शंकर हीरचंद ओझा। ठीक है, आगे बात करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो शेखावाटी का नाम आते ही राजकीय संग्रहालय कहाँ है? सीकर। ठीक है, आगे बात करो, वो कौन सा प्रथम इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा, यानी फ्यूडलिज्म, कर्नल जेम्स स्टोर्ट ने जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा, क्या नाम था? फ्यूडलिज्म। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, ये कहाँ मिले आहत सिक्के, कहाँ मिले भाई? देखो राजस्थान के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के विराटनगर से मिले, आहाड़ रेड नगर से प्राप्त हुए आहत सिक्के ना। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो चावड़ा। ठीक है, खाने वाला चावड़ा नहीं है ये। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो अजमेर जिले में, फारसी भाषा अजमेर जिले में। फारसी अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध तथा तत्कालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख ढाई दिन के झोंपड़े वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जो भी
दरगाह अजमेर से प्राप्त हो। ठीक है, अक्केशाही सिक्के ये भी पूछा गया, अक्केशाही सिक्के जैसलमेर के भाई, अक्केशाही अक्के राजा ना, अक्केशाही अक्केशाही सिक्के जैसलमेर के, जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अक्केशाही सिक्के या मोहम्मद शाही मोडोडिया सिक्का कहा जाता है। तो बिल्कुल सिक्कों से प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अक्केशाही सिक्के मोहम्मद शाही सिक्के वो डोडिया शाही सिक्के कहा जाता है। जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्के अक्केशाही सिक्के मोहम्मद शाही सिक्के और डोडिया शाही सिक्के डोडिया सिक्के कहा जाता है। याद रखना भाई मोहम्मद साहब अक्केशाही डोडिया है, मोहम्मद साहब अक्केशाही डोडिया। जाड़शाही भाई, जाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत से संबंधित है, जाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत से संबंधित है। जयपुर रियासत के सिक्कों को जाड़शाही मोहम्मद शाही हाली वो गदिया, हाली गदिया फदिया ये सारे सिक्के कहाँ के हैं, जयपुर के है ना। आगे चलते हैं भाई, ये लो निम्न में से कौन सा स्रोत चहमान काल की जानकारी नहीं देता है, तो गटियाला अभिलेख चहमान काल की, चौहान काल की है ना, चहमान नहीं है चौहान काल की, गटियाला अभिलेख गटियाला जोधपुर। देख ध्यान रखना गटियाला अभिलेख कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, जैन मंदिर में उत्कीर्ण है और इस शिलालेख में प्रतिहार नरेश कुक है ना, कुकुक वो उनकी उपलब्धि का वर्णन करता है ना, नाम पे कैसे कैसे। चलो भाई, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस राशो में बताई गई, तो पृथ्वीराज राशो है ना, कमेंट करके बताओ पृथ्वीराज राशो किसकी है। दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था, तो कौन से, कर्ण सभा कोटा एवं मान मौर्य अभिलेख शिलालेख या अभिलेख चित्तौड़गढ़ है ना। आरएस में आ रहा है क्वेश्चन, कर्ण सभा अभिलेख 738 ईस्वी, कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है और मान मौर्य अभिलेख में चित्रांगन मौर्य का उल्लेख है। किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य मिले, तो राजस्थान। राजपूत वैदिकारियों की संतान है, इस मत की प्रतिपादक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत वैदिक आर्य की संतान है, ये कहा था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत वैदिक आर्य की संतान है। पोती खाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, सरस्वती भंडार ठीक है, और उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए है, तो ये क्या राजस्थान के साहित्य है। अरे याद हो गया, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, पोतीखाना जयपुर में, सरस्वती भंडार भी जोधपुर में और उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। ऐतिहासिक प्रमाणों दस्तावेजों पत्रों मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है, तो बिल्कुल ये आपके राज्य भी लेखागार बीकानेर में स्थित है। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ों के लिए, ऐतिहासिक प्रमाणों के लिए, दस्तावेजों के लिए, पत्रों के लिए, मुगल फरमानों के लिए। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतम खजाना है, तो फतेहपुर सीकर में है। वापस पढ़ेंगे, टेंशन ना लो भाई, रिवीजन करेंगे अभी। एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे, किसके, पश्चिमी राजपूत स्टेट के। वो कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो कीर्ति स्तंभ प्रस्ती 1460 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ प्रस्ती महेश भट्ट द्वारा रचित है, कीर्ति स्तंभ प्रस्ती महेश भट्ट, कौन सा भट्ट, महेश भट्ट। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों उपाधियों साहित्य ग्रंथों व अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। पोती खाना संग्रहालय कहाँ है, तो पोती खाना जयपुर के अंदर है, पोती खाना जयपुर के अंदर है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, देखिएगा, पोती खाना संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह, नहीं महाराजा सवाई मानसिद्धित्य द्वारा 1952 ईस्वी में की गई, जिसमें अरबी फारसी और राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए। आगे चलते हैं, कवि राजा श्यामलदास एवं पुरातत्ववेता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वो है भीलवाड़ा। ये लो भी आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है, तो क्षत्रियों से, क्षत्रियों से है ना, क्षत्रियों से नहीं, क्षत्रियों से। चलो भाई,
अब रिवीजन कर लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट, आज का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उससे पहले रिवीजन। कि भाई हमने 41 क्वेश्चन से शुरू की। चलो भाई देखो साहब, मौना नैन सिंह मारवाड़ा परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी मंत्री थे। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की लेखिका रीमा हुंजा, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार समाज सुधारक हरविलास शारदा थे, जिन्होंने बाल विवाह निषेध कानून बनवाया। अरे कहाँ गया भाई ये, तो ऊपर चला जाता है बार बार। चलो ब्रोज गुजर नामक कनिगम राजपूतों के हूणों की संतान वी ए स्मिथ कौन विधान गोहलितों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था? जी ओझा। प्राचीन लिपि गौरीशंकर हीरचंद ओझा। शेखावटी क्षेत्र राजकीय संग्रहालय की स्थापना सिक्कर थे, ठीक है। जागीरदारी कर्नल जेम्स टोड व्यवस्था पर लिखा था। आहत सिक्के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमार्ग विराटनगर से, आहाड़ रेड टोक नगर से, पसंदगढ़ से, ललक किस वंश से? चावड़ा। फारसी अजमेर, फारसी का नाम आता है सीधा अजमेर। अकेसाई जयपुर के, अकेसाई के देखो एक तो मोहम्मद शाही भी सिक्के जयपुर के, नहीं जयपुर के जैसलमेर के, सॉरी है ना, अकेसाई जैसलमेर के, मोहम्मद शाही भी जैसलमेर के, डोडिया भी जैसलमेर के, जाटशाही आए तो जयपुर है, ठीक है। जाटशाही में देखो मोहम्मद शाही हाली गदिया वगैरह, गदिया फदिया वगैरह, ये सारे सिक्के जयपुर के हैं, ठीक है। और चौहान की जानकारी गठेला विलेख नहीं देता है, ये जैन मंदिर में उत्कीर्ण है या आपके मारवाड़ की साइड जोधपुर में। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस राशि में बताइए? तो पृथ्वीराज राशि में, ठीक है। दो अभिलेखों से ज्ञात होता है तो कौन से हैं? एक तो कणसरा कोटा और मान मौर्य अभिलेख चित्तौड़गढ़, ठीक है। इनका संबंध राजस्थान से है और ये कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवन का भी उल्लेख है। किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्के के पहले साक्ष्य मिले? राजस्थान में। और ये इंपॉर्टेंट है, राजपूत वैदिकारी के संतान है गौरी शंकर हीरचंद ओझा। पोतिखाना जयपुर में पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार, ठीक है। और उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, ये राजस्थानी साहित्य है। और देखो राज्य अभिलेख का कहाँ कहाँ है? बीकानेर में। एक सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है अभी? फतेहपुर सीकर में। एक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जो टोड थे वो किसके पॉलिटिकल एजेंट थे? तो पृथ्वी राजपूत स्टेट के। माणा कुंभा से संबंधित कृति प्रस्तुति जो कि इसका रचनाकार या कौन था भाई? प्रस्तुति महेश भट्ट द्वारा रचित है। पोतेखाना जयपुर में है। श्यामलदास पुरातत्व वेदा मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वो था भीलवाड़ा। इतिहासकार गौरीशंकर हीरचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? तो क्षत्रियों से। तो बिल्कुल कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हाजिर हैं। तो कल एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, तो टॉपिक में आपको कहो तो बता दूं और बाकी अगले वीडियो में आपको बनाए रहना है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं तो सारे क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल बना रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।